नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीटेट का आपका एग्जाम जो है 21 जनवरी 2024 को आपका होने वाला है, जैसा कि आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपके सीटेट की OMR सीट होती है, ये OMR सीट आपको किस तरीके से फिल करनी है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही देखिए, जो आपका पेपर जो मिलता है वो लैंग्वेज वगैरह कैसे आपको किस तरीके से फिल करनी है, उसके बारे में भी मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको OMR पूरी किस तरीके से बननी है, रोल नंबर किस तरीके से बनना है, बुकलेट सीरीज या सीरीज नंबर या फिर आपका जो विकल्प जो होते हैं वो किस तरीके से फिल करने हैं, ठीक है। और साथ ही आपका जो पेपर मिलता है उसमें आपको किस तरीके से लैंग्वेज को अपनी चूज करना है, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आप लोग सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, देखिए आप जब अपना पेपर करने जाएंगे तो देखिए आपको अपना एक ठीक है बॉल पेन लेके जाना है। देखिए, बॉल पेन आप अच्छे से जानते होंगे, आप लोग अपने पेपर में जो है जेल पेन नहीं लेके जाएं, ये चीज मैं आपको पहले बता देता हूं। बॉल पेन आपकी ब्लू कलर की हो सकती है, ब्लैक कलर कोई भी चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। एक आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो आपका एडमिट कार्ड आपके साथ में जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड होता है, जो कि आप लोग यहां पे देख सकते हो, ठीक है भाई, ये आपका एडमिट कार्ड होता है। साथ ही देखिए, आपकी जब आप लोग अपने एग्जाम हॉल में घुस जाओगे तो वो सारी डिटेल तो आप लोगों को अच्छे से पता ही होगी। मैं आपको बताता हूं कि देखिए आपकी जो सीट होती है तो कुछ इस तरीके से आपको अपनी OMR सीट मिलती है, जो कि आप लोग यहां पे देख सकते हो, ठीक है भाई, तो इसके बारे में भी बताऊंगा। साथ ही ये पीछे भी डिटेल दे रखी होती है, ये भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फिल करनी है, ठीक है। साथ ही देखिए, जब आप अपने एग्जाम हॉल में घुसोगे तो आपको पेपर मिलेंगे, ठीक है, ये जो आप लोग पेपर देख पा रहे हैं ये पेपर मिलेगा, जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही देखिए, आपको एक और पेपर मिलेगा, यानी एक लैंग्वेज का पेपर मिलता है, मतलब दूसरी लैंग्वेज जो आपने ली होगी उसका पेपर आपको अलग से मिलेगा, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो चलिए, आप लोग पहले कैमरामैन पास में आए थोड़ा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको, सबसे पहले बताता हूं कि आपको किस तरीके से जो है OMR सीट फिल करनी है, उसके बारे में आपको बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको OMR सीट जो है किस तरीके से फिल करनी है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये है आप सभी के सामने पहले OMR सीट जो आपको दिख रही है, ये पूरी OMR सीट आपको मिलेगी, ठीक है। आपका जो एडमिट कार्ड होगा, नीचे आपका एडमिट कार्ड आपको रख लेना है, ठीक है। रखने के बाद आपको क्या करना है कि पहले कॉलम में आपको होगा रोल नंबर, ठीक है। तो दोस्तों, जो भी आपका रोल नंबर हो वो क्या करना है आपको, पहले उस कॉलम में आपको अपना रोल नंबर जो है फिल कर लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरा जो रोल नंबर है वो इतना है, ठीक है। मैं जैसे कि एडमिट कार्ड में अपना देखता हूं तो मेरा जो रोल नंबर है वो आप लोग यहां पे देख सकते हैं, मेरा रोल नंबर कितना आ रहा है यहां पे, इतना कुछ रोल नंबर दिख रहा है, मान लो मेरा 1, ठीक है, 104, ठीक है, 110401, ठीक है। उसके बाद देखिए 2, 6 और 3, ठीक है, इस तरीके से मेरा रोल नंबर है मान लो, ठीक है, ये आपका रोल नंबर हो गया। तो इस तरीके से आपको रोल नंबर को फिल कर लेना है। ये फिल करने के बाद आपको क्या करना है, ये 1 जो दिख रहा है पहले कॉलम में, तो आपको नीचे लाइन मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ना, मतलब 1 जो है वो आपको केवल एक ही लाइन में करना है, और 1 कहां पर है, आपको पहले कॉलम पे आपको 0 मिलेगा, दूसरे नंबर पे 1 मिलेगा। तो क्या करना है आपको, यही इसको आपको गोला कर देना है, यानी पहले नंबर को आपको गोला कर देना है, जो कि आप लोग यहां पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये जो 1 दिख रहा है ना आपको, ये जो 1 दिख रहा है आपको क्या करना है, वो दूसरी लाइन में ही करना है, मतलब जो आपकी लाइन है उसी कॉलम के नीचे करना, जैसे यहां पे सेकंड नंबर पे है तो सेकंड लाइन में ही आपको करना है, जैसे कि यहां पे 1 दिख रहा है तो यहां पे भी आपको 1 करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं 1 कर दिया, अगला नंबर क्या है आपका, 0 आया, तो 0 आपको इस तरीके से यहां पे 0 फिल कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद 4 है, तो देखिए 4 नंबर पे जाएंगे तो 4 यहां पे आप लोग फिल कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको OMR सीट को फिल करना है। उसके बाद देखिए 1 हो गया, ठीक है, जल्दी-जल्दी मैं आपके सामने कर देता हूं, फिर 2 हो गया, ठीक है, उसके बाद कितना हो गया आपका, 6 हो गया, फिर सॉरी यहाँ पे कितना होगा आपका, 3 होगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, 6। तो जैसे मैंने ये गलती कर दी कि मतलब यहाँ पे 6 था लेकिन यहाँ पे फिल कर दिया, ये चीज़ आपको नहीं करनी, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जल्दबाजी में इस अलग कॉलम में फिल कर देते हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इस कॉलम में 6 था तो इसी कॉलम में 6 करना था, इस कॉलम में 3 था तो इसी कॉलम में आपको 3 फिल करना था, इस तरीके से आपको जो है फिल कर लेना है, क्लियर। उसके बाद देखिए आपको यानी कि एक मिलता है आपको क्या, उत्तर पुस्तिका यानी मुख्य पुस्तिका, यानी कि जो आपका नंबर है, जो आपका यानी कि पुस्तिका जो नंबर होता है, यानी कि बुकलेट नंबर जिसको हम बोलते हैं, तो वो मिलेगा आपको, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये आपका कितना है, ये है आपका कितना, यानी बुकलेट नंबर है, ठीक है। अब ये बुकलेट नंबर जो आपका दे रखा है, वो आपको बुकलेट नंबर को इसका क्या करना है, जो बुकलेट आपको मिलती है उसी बुकलेट में आपको देख के जो है फिल कर लेना है। जैसे कि मैं आपके सामने फिल करता हूँ, ठीक है, कितनी है ये आप लोग, 5, ठीक है, 5, 77, ठीक है, 38, उसके बाद कितना है, 22, ठीक है,
इस तरीके से कुछ आपकी जो है उमर सीट है, मान लो ठीक है, इतना कुछ आपका उमर सीट है, तो ये आपको इस तरीके से जो है फिल कर लेनी है। और ये करने के बाद इसी तरीके से आपको पांच वाले कॉलम में पांच फिल करना है, ठीक है, दूसरा पांच है तो उसके बाद दूसरे पांच पे फिल करना है, सात है तो सात पे फिल करना है। तो इसी तरीके से जो है अपना जो है आपको उमर के जो है गोले जो है भर लेने हैं, जैसे कि मैं आपके सामने भर रहा हूँ, ठीक है। और क्या करना है कि आपको गोले जो है दोस्तों आपको पूरे भरने हैं, ठीक है, गोले जब आप लोग भरेंगे तो पूरे गोले भरने हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे थ्री फिल कर लिया, उसके बाद आपको एट फिल करना है, ठीक है, और उसके बाद आपको टू फिल करना है। तो इस तरीके से जो आपको अपना क्या कर लेना है, ठीक है, ये फिल कर लेना है। उसके बाद क्या होगा आपका, ये होगा आपका इनकी बुकलेट कोड, यानी कि बुकलेट का एक कोड होगा जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कोड आपका यहाँ पे कितना है, बी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एम दे रखा है, हालांकि आपको बी ही आपको यहाँ पे कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे आपका बी लिखा आएगा। उसके बाद देखिए आपको यानी कि लैंग्वेज का आपका कोड आएगा, तो लैंग्वेज आपकी जो भी होगी, मान लो लैंग्वेज वन जो होगी आपकी वो किस में होती है, जो आपका मेन पेपर होता है उसी में होती है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, यानी लैंग्वेज वन का यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से दे रखा है। तो लैंग्वेज वन में आप क्या लेंगे, देखिए या तो आप लैंग्वेज वन में आपकी भाषा वन में हिंदी लेंगे या अंग्रेजी लेंगे, ठीक है, तो आपने वो ली होगी। अगर कोई और लैंग्वेज लिया तो आपको वो भी आपको अलग से दी जाएगी, ठीक है। तो मान लो आपने लैंग्वेज वन में 90 तक, तो देखिए सभी क्वेश्चन जो है सेम होते हैं, इस चीज को आप लोग पढ़ेंगे पेपर में जाके तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। पहले पे आपका क्या होता है सीडीपी होता है, अगर आपने पहला पेपर दे रहे हैं तो दूसरे पे आपका क्या होगा गणित होगा, उसके बाद आपका ईबीएस होगा, ठीक है, यानी 90 तक तो आपका ये कॉमन सेक्शन रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपकी लैंग्वेज वन आएगी, तो लैंग्वेज वन आपने मतलब एल वन जो आपने फिल की है, मतलब एल वन में आपने हिंदी फिल की है, तो आपको जो है हिंदी आपको इसी में मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपने इंग्लिश फिल की होगी तो इंग्लिश भी आपको इसी में मिल जाएगी, एल टू, ठीक है, एल वन में आपको जो लैंग्वेज वन जो आप फिल करोगे वो इसी पेपर में आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन बाकी अगर लैंग्वेज टू आपने अलग से फिल होगी तो उसका पेपर अलग मिलता है, जो कि आप लोग यहां पे देख सकते हो, ठीक है, उसका पेपर आपके सामने अलग ही रहा, ठीक है, जो कि मैंने ये संस्कृत का है, तो यहां पे संस्कृत लिया है तो संस्कृत भी आपको दिख जाएगा। अगर आप इंग्लिश लेते हो या कोई अदर भाषा लेते हो तो वो भी आपको यहां पे दिख जाएगी, इस तरीके से आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो, ठीक है, क्लियर। तो आपको क्या करना है कि लैंग्वेज वन का जो कोड जो है क्या मान लो यहाँ पे कितना है बी, तो यहाँ पे इस कॉलम में आपको बी फिल कर देना है। उसके बाद जो आपका बी होगा वहाँ पे आपको बी बी इस तरीके से जो है गोला कर देना है, यहाँ पे गोला कर दिया। उसके बाद देखते हैं हम आपकी जो लैंग्वेज टू, यानी हमने लैंग्वेज कौन सी ली थी, हमने ली थी लैंग्वेज टू में संस्कृत, ठीक है, कौन सी ली थी हमने लैंग्वेज संस्कृत ली थी, तो संस्कृत में क्या है आपका इसका कोड बी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है बी फिल करना है और इस कॉलम में भी आपको बी फिल कर देना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कर दिया बी फिल, ठीक है। ये आपका कुछ कॉलम को फिल करने का कुछ प्रोसेस था आपके जो हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको नीचे आना, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है भाई, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए एक आपको सीरीज मिलती है जो कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपके सामने सीरीज आपको नजर आएगी, ठीक है, तो मैं आपको यहां पे दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, लेकिन आपको उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको जो पेपर है वो कैसे फिल करना है, ठीक है। पेपर आपको इस तरीके से मिलेगा जो कि आप लोग यहां पे देख पा रहे हो, ठीक है, पेपर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे आप लोग जब आओगे, नीचे की तरफ जब आप लोग आओगे तो यहाँ पे पहले कॉलम पे आपको अपना नाम डालना है, ठीक है, जैसे कि मेरा नाम प्रिंस है तो मैंने यहाँ पे प्रिंस नाम डाल दिया, ठीक है, कैपिटल लेटर में आपको अपना नाम डालना है। उसके बाद देखिए अगर आपका रोल नंबर क्या है तो वो आपको अपना रोल नंबर जो है इस तरीके से यहाँ पे डाल लेना है, ठीक है, जो भी आपका रोल नंबर होगा वो रोल नंबर आपको अंकों में, यानी आप कह रहे ना अंकों में, तो आपको अंकों में डाल लेना है। उसके बाद इनवर्स यानी शब्दों में आपको डालना है, तो आपको शब्दों में जब आपको रोल नंबर डालना है तो वो किस तरीके से डालना है, टू टू, ठीक है, टू इस तरीके से, यानी आपको क्या करना है जो नंबर है वो इस तरीके से डालना है। ऐसा नहीं करना कि लाख, 22 लाख, 20 हजार ऐसे आप लोग फिल कर रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं करना है, यानी 2 2 1 1 इस तरीके से आपको यानी कि एक एक नंबर में आपको जो है फिल करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपको अपने एग्जामिनेशन की सेंटर डालना है, ठीक है, एग्जामिनेशन का सेंटर डालना है, जहां पर भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर हो वो इस तरीके से आपको अपना रोल एग्जाम सेंटर कंप्लीट डालना है कैपिटल लेटर में, ठीक है। उसके बाद आपके जो भी आप लोग सिग्नेचर जैसे करते हैं वो अपने इस तरीके से सिग्नेचर आपको कर लेने, ये कर लेना। और इसके बाद आपको देखिए इनविजिलेटर सिग्नेचर का मतलब होता है कि जो आपके पेपर में टीचर जो होंगे आपको वो यहां पे आपके सिग्नेचर करेंगे जो आपकी मोहर लगी हुई है वहां पे, ठीक है, क्लियर। कुछ इस तरीके से आपको पेपर को फिल करना होता है, ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है भाई। चलिए अब आते हैं कि देखिए आपको क्वेश्चन को कैसे यानी कि अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को कैसे करना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। पेपर जो होगा वो आप लोग अच्छे से जानते हैं, पहले नंबर पे आपका सीडीपी आएगा और जिसमें आपकी जो भी लैंग्वेज आपको ठीक लगे, मतलब कहते हैं ना कि या तो हिंदी में दे लो या इंग्लिश में दे दो, जो आपको लैंग्वेज ठीक लगते हैं उस तरीके से आप लोग दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से दे रखा है, इसको पढ़ेंगे आप लोग, इसके पूरी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद यहाँ पे आपके जो आंसर्स दे रखे हैं देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपके आंसर दे रखे हैं और इनकी तरफ से कौन सा आंसर माना, मान लो आपको कौन सा विकल्प लगता है, चौथा ऑप्शन एकदम ठीक लगता है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन लग रहा है पहले क्वेश्चन का जो है, क्वेश्चन नंबर वन का जो है चौथा ऑप्शन ठीक लग रहा है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन आपका चौथा ऑप्शन ठीक लगा तो आपको ओएमआर सीट को लेना है,
ठीक है। इस तरीके से आपको एमआर सीट को लेना है, क्वेश्चन नंबर वन में आपको जाना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन आपका आया पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन आया तो वन में आपको कौन सा ऑप्शन था, चौथा, यानी कि क्वेश्चन नंबर का वन का जो है चौथा ऑप्शन ठीक था, तो हम क्या करेंगे इसको चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पे फिल कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको एमआर सीट को फिल करना है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मान लो अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन मान लो ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर पांच की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम भी चलेंगे। मान लो क्वेश्चन नंबर पांच में आपसे ये पूछा था और आपसे इसका जो क्वेश्चन आपका आया, यानी क्वेश्चन नंबर पांच का जो ए ऑप्शन आया, ठीक ठीक है। तो आपको क्या करना है कि पांच में जाना है, आपको क्वेश्चन नंबर पांच देख लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पांच जो आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है। तो आपको पहला कॉलम ही आपको फिल करना है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पांच का ए ऑप्शन है तो ए ही करना है आपको, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से आपको करना है। चलिए आगे की तरफ मैं कुछ चलता हूँ, आगे देख लेते हैं कुछ आगे थोड़ा सा, ठीक है, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए। जैसे कि हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ, ठीक है। तो 46 आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 46 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इसका जो है सेकेंड ऑप्शन एकदम ठीक है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन ठीक है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। तो इसको क्या करना है, देखिए 46 नंबर पे जाना, 46 नंबर आपको अच्छे से देख लेना है। मान लो ये 46 नंबर हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पे गोला नहीं, इस तरीके से कुछ नंबर नहीं करना, मैं तो आप केवल समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। तो 46 में आपका कौन सा ऑप्शन था, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन था, ठीक ठीक है। तो 46 में आपको क्या करना है कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखना है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इस तरीके से ठीक है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से जो आपको फिल कर लेना है, क्लियर, ये चीज आपको क्लियर हो गई। इस तरीके से आप लोग जिस तरीके से क्वेश्चन को करते जाओगे, जो भी लैंग्वेज आपको, इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है भाई, क्लियर। तो इस तरीके से आपको कॉलम को फिल कर लेना है। और अब आपकी जो क्या करना है कि आप चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, मान लो आपसे सीडीपी के 1 से लेकर 30 क्वेश्चन पे आपने पेपर पे टिक कर लिया, ठीक है। आप चाहो तो आप पेपर पे भी टिक कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। यानी इसका जो चौथा ऑप्शन हो गया, ठीक है, इसका जो चौथा ऑप्शन हो गया, उसके बाद ये इस तरीके से यहाँ पे आपको टिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपको टिक कर लेना है। मान लो इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, मतलब आप छोटा सा टिक लगा सकते हैं, ये नहीं कि आप इस तरीके से यहाँ पे राइट का टिक लगा रहे हैं, बस एक छोटा सा यानी बिंदी लगा सकते हैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि मतलब ये ऑप्शन मेरा ठीक है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड में ये बिंदी लगाया, तो ये एकदम इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो आपको लग रहा है कि चौथा ऑप्शन ठीक है, तो मैं चौथे पे इस तरीके से बिंदी लगा लूँ, मतलब आपको ये याद रहे कि हाँ ये ऑप्शन हमने किया है, ठीक है। तो ये क्या करना है कि आपको 1 से लेकर 30 तक आपको क्वेश्चन को जो है कर लेने हैं, ठीक है। ऐसे तरीके से करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के आगे आपको 1 ही कॉलम फिल करना है, ठीक है। क्या करना है कि ये जो आपको मान लो पहले क्वेश्चन का जो 1 कॉलम ठीक था, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो चौथा ऑप्शन ठीक था, तो आपको चौथा ही ऑप्शन फिल करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका दूसरे का चौथा फिल कर दें, ठीक है। इस चीज को आपको देखने से बचना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर आपको आगे दे रखे होंगे और आगे आपके ऑप्शन नंबर भी दे रखे हैं, तो जो ऑप्शन आपको ठीक लगता है उसी ऑप्शन को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है भाई। चलिए क्लियर हो गया। 90 तक आपका इसी तरीके से आपको फिल कर लेना है। चाहे तो आप अपना पेपर में, आप चाहे तो पहले सीडीपी को कर सकते हैं, यानी 30-30 करके क्वेश्चन को कर सकते हो, या फिर अगर आपको ये लग रहा है कि मैं मतलब हाफ करके कर सकता हूँ, या फिर मैं पूरे पहले पेपर पर टिक लेता हूं, इस तरीके से मुझे जो भी क्वेश्चन ठीक लग रहा है इस तरीके से मैं क्वेश्चन को टिक कर लेता हूं, जो भी क्वेश्चन मुझे ठीक लगता है उस तरीके से मैंने क्वेश्चन को टिक कर लिया। उसके बाद अगर आपको ये लग रहा है कि बाद में मुझे ओमर सीट फिल करनी है, तो आप बाद में भी फिल कर सकते हो, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो, क्लियर। अब बात करते हैं कि लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। लैंग्वेज के बारे में जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 90 तक आपको, यानी कि पेपर आपका सेम रहेगा, यानी 90 क्वेश्चन तक आप लोग अपना क्वेश्चन को सेम फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं लैंग्वेज में जो है इन्होंने क्या है, एक लैंग्वेज ली थी, क्या, हिंदी ली थी, ठीक है। लैंग्वेज में क्या लिया था, हिंदी लिया था। तो आपको क्या करना है कि पेपर में आपको जाना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहां पे हिंदी देख सकते हो, तो हिंदी इन्होंने लिया था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बताना चाहूं तो देखिए आपको क्या करना है कि पेपर में आपको जाना है और हिंदी देखना है 90 क्वेश्चन के बाद, ठीक है, कि 90 क्वेश्चन के बाद हिंदी कहां दिखता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, एक मिनट देखिए। अब आप लोग यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कि मतलब इनका 90 क्वेश्चन कंप्लीट होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आपका। उसके बाद आपका आएगा लैंग्वेज, ठीक है। अब आपकी लैंग्वेज, आपने जो भी लैंग्वेज ली होगी, लैंग्वेज फर्स्ट जो आपने रखी है, मान लो आपने हिंदी रखी है, तो आप लोगों को हिंदी वाले कॉलम में जाना है। अगर आपने इंग्लिश रखी है तो इंग्लिश वाले कॉलम में जाना है, और कोई अदर लैंग्वेज रखी है तो वो भी आपको उस कॉलम में जाना है। और बाकायदा उस तरीके से यहाँ पे लिखा भी रखा है, तो आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है। तो मान लो इन्होंने क्या लिया था, हिंदी लिया था, तो एक उसको ओपन करते हैं, लैंग्वेज वन में हिंदी लिया था, ठीक है। तो देखते हैं कि लैंग्वेज वन में आपका हिंदी कहाँ पर है, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, इसको हमने ओपन किया तो पहले नंबर पे क्या है, इंग्लिश आया। तो हमने इंग्लिश नहीं लिया था तो हम इंग्लिश नहीं करेंगे, लेकिन जिसने लैंग्वेज वन में इंग्लिश लिया तो वो इंग्लिश सेलेक्ट करेगा, ठीक है, क्लियर। मान लो हमने इंग्लिश नहीं लिया तो हम इसको छोड़ देंगे, आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। इंग्लिश के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी हम अगली लैंग्वेज देखते हैं। अगली लैंग्वेज क्या है आपकी, हिंदी है। जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है। और यहां पर भी आप लोग देख सकते हो कि भाषा फर्स्ट जो है वो आपकी, इन्होंने हिंदी ली है, तो आपकी हिंदी आप सभी के सामने आ चुकी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 91 क्वेश्चन आप सभी के सामने जो दिख रहा है, 91 क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, यहां से आपको जो है क्या करना है कि अपना हिंदी पे ही आपको, यानी कि हिंदी वाले ऑप्शन में यहीं से आपको 90 से लेके 120 तक, यानी कि 90 का 191 का जो कॉलम दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक आपको इन्हीं कॉलम को जो है फिल करना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपके सामने मान लो कोई भी, मान लो 94 क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है।
94 क्वेश्चन आपके सामने, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 94 नंबर क्वेश्चन ले लिया, और इसका मान लो मुझे तीसरा ऑप्शन ठीक लग रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको ठीक लग रहा है, ठीक है भाई। तो 90 आपको क्या करना है, 94 पे आपको जाना है, जैसे कि 94 पे हम गए तो आपको यानी तीसरा ऑप्शन लगा तो तीसरा ऑप्शन इस तरीके से आपको जो है टिक कर लेना है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको लैंग्वेज में आपको फिल करना है 90 से लेकर 91 से लेकर 120 तक, क्लियर। अब आती है आपकी बात लैंग्वेज टू के बारे में, ठीक है। तो ये तो आपके लैंग्वेज वन, तो आपके जो पेपर होगा उसी में आपकी मिल जाएगी, ठीक है, यानी लैंग्वेज वन तो आपकी जो पेपर होगा उसी में आपकी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि लैंग्वेज टू के बारे में, जो कि लैंग्वेज टू जो होगी वो आपकी 121 से लेकर 150 तक आपकी लैंग्वेज टू होगी, ठीक है। तो उसके बाद आप बात करते हैं कि लैंग्वेज टू आपकी किस तरीके से होगी। तो चलिए हम लैंग्वेज टू के बारे में चलते हैं। अब लैंग्वेज टू आप सभी के सामने आ चुकी है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमने लैंग्वेज टू में संस्कृत लिया था, तो संस्कृत आप सभी के सामने आ चुका है। अगर आपने इंग्लिश लिया होगा तो इंग्लिश मिलेगा, अगर कोई और लैंग्वेज लिया होगा तो वो भी आपको अलग मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको बताना होगा कि आपकी कौन सी लैंग्वेज है, और वो आपकी एडमिट कार्ड पर भी लिखी रहती है कि आपने कौन सी लैंग्वेज ली है, ठीक है भाई, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी ओपनर सीट पर आपको लिखा मिल जाएगा, उसके बाद आपको जाना संस्कृत में, ठीक है। तो लैंग्वेज वन आपकी मिलेगी, देखिए यहाँ पे आपका दे रखा है वन, लेकिन हमने वन नहीं ली थी, हमने ली थी संस्कृत जो है भाषा टू, यानी लैंग्वेज टू ली थी, तो हम वन को नहीं सिलेक्ट करेंगे, आगे चलते हैं, ठीक है। जिन्होंने संस्कृत वन पे रखी है तो वो वन पे जाएंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो देखिए इसी तरीके से करना है, मैं आपको जैसे बता रहा हूं, ठीक है। तो हमने यानी कि लैंग्वेज टू में संस्कृत ली थी, लेकिन हमने भाषा टू ली थी, ठीक है। तो यहां पर आपको आसानी से दिख गया, क्लियर। तो आपको यानी इस तरीके से यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं संस्कृत की भाषा टू ली थी, तो यहाँ पे संस्कृत आ चुकी है। अब आपको 121 नंबर से आपको क्या करना है कि जो भी लैंग्वेज आपको यानी जो भी ऑप्शन ठीक लगता है, मान लो 121 का मान लो आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है, चौथा ऑप्शन ठीक लग रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यानी कि क्या आपको चौथा ऑप्शन ठीक लग रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि चौथे यानी 121 नंबर पे जाना है, और आपको 121 पे आपको चौथे पे टिक कर देना है, ठीक है भाई। इस तरीके से आपको जो है करना है, ठीक है। अब आगे इस तरीके से ही आपको एक एक करके फिल कर लेना है जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगते हैं, ठीक है। तो मान लो हम लास्ट ऑप्शन पे चलते हैं, कितने पे, आपके 150 पे, ठीक है, लास्ट 150 पे आ चुके हैं। अगर आपको किसी भी रफ वर्क करना है तो रफ स्पेस भी यहां पे आपको दिया जाता है, ठीक है भाई। अगर हम चलते हैं 150 पे, ठीक है, यानी 150 आप सभी के सामने आ चुका है, और हम मान लो इसका कोई भी ऑप्शन यहां पे लगा लेते हैं, मान लो सी ऑप्शन लगा लेते हैं, यानी तीसरा ऑप्शन लगा लेते हैं, तो 150 पे जाएंगे तो तीसरा ऑप्शन यहां पे इस तरीके से यहां पे आपको फिल कर लेना है, ठीक है भाई। तो OMR सीट को इस तरीके से फिल करना है, और क्वेश्चन नंबर आगे आपको दे रखे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि छोटी छोटी मिस्टेक, आपको 145 का तीसरा ऑप्शन लगाना था और आपने क्या कर लिया, तो 146 का लगा दिया, तो इस वजह से क्या होगा कि सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको मेनी मिस्टेक आपको नहीं करके चलनी है पेपर में, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो OMR सीट को फिल करने का कुछ ये तरीका था, पेपर करने का कुछ ये तरीका था, क्लियर। अब बात करते हैं कि आपको सिग्नेचर, देखिए पहले कॉलम में आपको यहां पे सिग्नेचर करने है, ठीक है। तो जैसे भी आप सिग्नेचर करते हैं वो इस तरीके से यहां पे अपने सिग्नेचर कर लेंगे, जैसे मैंने यहां पे कर दिया, यानी कि सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में, तो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में अपने सिग्नेचर करने हैं, और सिग्नेचर ऑफ इनबिलिटेटर में आपके जो टीचर होंगे, ठीक है, यानी जो भी आपका टीचर होगा वो अपना सिग्नेचर वहां पे करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे अपना सिग्नेचर जो होगा वो टीचर करेगा, चलिए, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट कर लेना है। अब साथ ही मैं आपको ये बता देता हूँ, ये भी बताना भूल गया मैं, तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि पेपर को यानी OMR सीट को पलटना है, पलटने के बाद आपको यानी कि आपको रोल नंबर डालना है, ठीक है। तो जो भी आपका रोल नंबर था, मान लो 2, 2, 1, 4, 3, 7 या जो भी आपका रोल नंबर हो वो इस तरीके से आपको फिल कर लेना है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि बड़े अक्षरों में, ठीक है, यहाँ पे आपका नाम डालना है। तो मान लो मेरा नाम प्रिंस है, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे प्रिंस नंबर प्रिंस डाल लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके पिताजी का नाम डाल लेना, जो भी आपके पिताजी का नाम हो, मान लो ये श्री, किसी श्री आगे जो भी आप लोग लगाते हैं, इस तरीके से आपको अपने पिताजी का नाम डाल लेना है। उसके बाद सेंटर का नंबर, आपका जो सेंटर का कोड होगा वो आपके एडमिट कार्ड पर दे रखा होगा, वो आपको यहाँ पे डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेंटर का नाम क्या है वो आपको यहाँ पे डाल लेना है। तो ये सारी डिटेल को आपको फिल कर देना है, और जब आपका पेपर, मैंने अभी आपको बताया जैसे कि आपको क्या होगा कि जो आपकी OMR सीट आपने जो फिल की होगी वो OMR सीट आपसे जो एग्जाम सेंटर पे आपके ले ली जाएगी, जमा करवा ली जाएगी, ठीक है। बाकी जो आपका पेपर होगा वो आपसे ले लिया जाएगा, मतलब पेपर आपको क्या करना है कि आप अपने पास में रख सकते हो, केवल आपसे OMR सीट ली जाएगी, बाकी और कुछ भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो पेपर को आपको कंडक्ट कर, मतलब पेपर को करने का जो तरीका था वो मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। मेरे हिसाब से अब आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन आप सभी का रहता हो, बनता हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करें सभी दोस्तों में, और कमेंट करके जो बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको सच में वीडियो हेल्पफुल लगी हो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सच में अच्छी लगी हो, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।